हर इंसान के अंदर होना जरूरी है, क्योंकि शौर्य और वीरता ही अपने देश और अपने प्रदेश को आगे ले जाती है। इसलिए वीर बनिए और अपना देश हित में शौर्य दिखाइए। अब हम आपको ऐसा क्यों कह रहे हैं ये भी बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में रानी अवंतीबाई और दुर्गावती के शौर्य को सिलेबस का हिस्सा बनाया जाएगा। इसकी जानकारी मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। अपने उस पुराने गौरवशाली मान सम्मान को लाने के लिए हम अपनी नई शिक्षा नीति में इनको पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति में इन ऐसे गौरवशाली पृष्ठों को शामिल नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। नई शिक्षा नीति में उस बात को भी हम रेखांकित करेंगे जिसमें रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई और ऐसे सभी गौरवशाली जो जो महापुरुष हैं या रानियां हैं उन सबको हम स्थान देने वाले हैं। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य शौर्य, साहस, पराक्रम ने भारत को प्राउड फील करवाया। उन्होंने अकबर जैसे शासक से युद्ध किया और अकबर से बिना डरे अपनी वीरता का परिचय दिया। इसी प्रकार वीरांगना रानी अवंतीबाई ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ देकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। वीरांगना रानी दुर्गावती का जीवन हमारे लिए सम्मान का विषय है। वीरांगना रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई के शौर्य को नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस का हिस्सा बनाया जाएगा ताकि आने वाली जो जनरेशन है हमारी उनके योगदान को जान सके। साथ ही पीएम मोदी ने 100 करोड़ के रानी दुर्गावती के स्मारक का भी लोकार्पण किया है। इसलिए तो हम कह रहे हैं जनजातीय समाज और उनकी संस्कृति के लिए MP सरकार समर्पित है।